हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान इंटीरियर डिजाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड की, जो एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। अगर आप एक इंटीरियर आर्किटेक्चर या फिर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या जिस भी ब्रांच से आपका ताल्लुक है और आप एक न्यू स्किल सीखना चाहते हैं और आपको ये भी जानना है कि जॉब में किस तरह वर्क होता है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आप जान जाएंगे कि जॉब में किस तरह वर्क होता है और आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ना ऑटोकैड खोल लेते हैं। ऑटोकैड 2017 वर्जन है हमारे पास, ये हम इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। आपको 2019 भी हो सकता है, 2020 भी हो सकता है, या उससे पहला वर्जन भी हो सकता है, लेकिन ये आगे जो वर्जन चल रहे हैं इसमें बहुत आसानी हो जाती है। कमांड के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें, जिसमें कमांड हमें डालना नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। बस एक क्लिक करना होता है और कमांड ऑटोमेटिकली यूज़ हो जाती है उसमें। तो आप देख सकते हैं हमारा ये ऑटोकैड खुल गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊपर आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में टॉप पर, ये न्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्योंकि हमें न्यू फाइल लेनी है, न्यू पे फाइल पे काम करना है हमें, इस बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने न्यू बटन पर क्लिक करा, फौरन हमें ये एक टेम्पलेट शो होगा, एक ऐसा कलर का डायलॉग बॉक्स खुल कर आएगा। ACAD हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद हमें कुछ ऐसा ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हमारा ये ग्रिड पैटर्न है, यहाँ पर आप नीचे आएंगे, देख रहे हैं मेरा कर्सर कहाँ जा रहा है। ये ग्रिड है, इस पर क्लिक कर देंगे हम, ये ऑफ हो जाएगा बाहर से, ये हमारा हो गया ऑफ। अब उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग समझ लेते हैं पहले। तो राइट क्लिक करेंगे हम इस पर डिस्प्ले पे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन में जाएंगे। ये ऑप्शन के बाद हमें ये कैसा डायलॉग बॉक्स मिला, ये डिस्प्ले हमारा, ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन में देखिए कलर है, कलर पर क्लिक कर देंगे हम। यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड का, जैसे हमें ब्लैक है, हम वाइट करना चाहें तो वाइट भी हो सकता है। वाइट पर क्लिक करने के बाद हम अप्लाई क्लोज कर देंगे, अप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पीछे का बैकग्राउंड वाइट हो गया, अगर हमें वाइट पर काम करना है तो। लेकिन हमें ब्लैक पर काम करना है तो ब्लैक पर काम करने के लिए आसानी होगी ज़्यादा हमारे लिए। तो अब हम इसको दोबारा चेंज कर लेंगे, ऑप्शन में जाके हम डिस्प्ले में जाकर कलर, और यहाँ सर कलर चूज किया हमने ब्लैक, अप्लाई क्लोज, ओके कर दिया हमने। उसके बाद हमें और ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शंस में जाके और सेटिंग्स मिल जाएंगे हम ऑप्शंस में जाके। तो हम सेटिंग को भी हम समझ लेते हैं उसके। अब ये हमारा जो है ये क्रॉस हेयर है, क्रॉस हेयर मैं बताऊँ आपको क्या होता है क्रॉस हेयर। ये जो है हमारा, ये जो दिख रहा है कर्सर टाइप, ये क्रॉस हेयर कहलाता है हमारा, जो इसमें ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ये भी क्रॉस हेयर है। इसका मतलब ये है कि अभी हमने कोई कमांड यूज़ नहीं किया, इसलिए ये वाला इस तरह का बन कर आ रहा है। जब हम कोई कमांड यूज़ कर देंगे तो ये जो हमारा स्क्वायर दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको हमें, इसके साइज़ को हमें छोटा बड़ा करना है, तो हम राइट क्लिक करेंगे डिस्प्ले पर, ऑप्शन में जाएंगे, ये हमारा डिस्प्ले का ऑप्शन खुल गया। उसके बाद ये इसका साइज है क्रॉस हेयर का, हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जैसे 30 है, ओके कर दिया तो हमारा क्रॉस हेयर इतना बड़ा होगा। लेकिन हमें अपने यूज करने के लिए हम 12 कर लेते हैं इसको, 12 ठीक था जो अभी था हमारा। यहाँ से हमने 12 किया और ओके कर दिया, तो हमारे ये 12 हो गया, ये ठीक है। अब और ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन में सेटिंग्स ओपन एंड सेव, ये ऑटोमेटिकली हमारा ये देख रहे हैं आप, ऑटोकैड 2010 वर्जन में सेव हो रही है हमारी सारी ड्राइंग। जब भी हम कुछ भी सेव करेंगे ऑटोकैड 2010 वर्जन में सेव होंगी। इसका फायदा यह होगा
कि जो लोग ऑटोकैड 2010 चलाते हैं या उससे ऊपर के जितने भी वर्जन चलाते हैं उन सब में हमारी ये फाइल खुल जाएगी। और अगर किसी ने सेव किया अपने लेटेस्ट वर्जन में, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया वो वर्जन, तो वो नीचे के वर्जन में नहीं खुल पाती वो फाइल, फिर हमें उसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, सेटिंग में जाके सेव करना पड़ेगा 2010 में या जिस भी वर्जन में हमें फाइल खोलनी है, तब जाके हमें वो ओपन होगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका सेलेक्शन में, ये और जो जो काम के ऑप्शन है मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको, ज़्यादा मैं अंदर डीपली नहीं जाऊंगा। ऑटोकैड बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है। सेलेक्शन में हम बात कर लेते हैं पिक बॉक्स की, पिक बॉक्स ये पिक बॉक्स का साइज़ है जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा, ये अभी हम मिडिल में कर लेते हैं इतना और इसको ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे कमांड बॉक्स है हमारा, ये आप देख रहे हैं कमांड बॉक्स जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, ये हमारा ये कमांड लाइन है, कमांड बॉक्स है जहाँ पर हम अपनी कमांड डालेंगे। तो सबसे पहले हमें जिस यूनिट में काम करना होता है वो यूनिट हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यूनिट की कमांड है। तो अब मैं आपको बीच बीच में कमांड बताता रहूँगा, आप चाहे तो पेन एंड पेपर लेके उस पर कमांड लिख सकते हैं। तो यूनिट कमांड के लिए मैं यहाँ पर टाइप करूंगा यूनिट, जिस भी यूनिट में मुझे चेंज करना है, मतलब मुझे फिट इंचेस में काम करना है तो फिट इंचेस में सेलेक्ट करना है मुझे, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा फिट इंचेस में कैसे सेलेक्ट करना है, और डेसिमल में काम करना है तो हमें डेसिमल में कैसे करना है। तो यूनिट वाली कमांड है, यूनिट में एंटर कर दिया हमें कोई भी कमांड डालने के लिए, उस पर एंटर करना है या स्पेस की दबा के, स्पेस की दबानी है, एंटर की यूज़ करनी है हमें कमांड के बाद या फिर स्पेस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे एक डायलॉग बॉक्स खुल गया ड्राइंग का, जिसमें हमें सेलेक्ट करना है यूनिट्स, तो जिस यूनिट में भी आपको काम करना है वो यूनिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमें कोई आर्किटेक्चर का बंदा है जिसको सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में फिट इंचेस में काम करना है, तो फिट इंचेस में कर लेगा, आर्किटेक्चर पर क्लिक किया और प्रेसीजन हमने 0.0 लिया और ये हमारा इंचेस में सेलेक्ट है। प्रीसीजन ये क्या है कि हम जब डायमेंशनिंग करेंगे तो उसमें हमारा कोई एरर नहीं दिखा देगा, इसको हमने ओके कर लिया। उसके बाद हम एक लाइन कमांड आपको करके दिखाता हूँ कैसे हमने फिट इंचेस में किया है। तो लाइन कमांड क्या है, एल टाइप कर देंगे, एंटर की दबाएंगे या स्पेस की दबाएंगे, हमारी कमांड स्टार्ट हो जाएगी। देखिए लिखा हुआ है कमांड बॉक्स में लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, तो हमें फर्स्ट पॉइंट कि हमें कहाँ से लाइन स्टार्ट करनी है, हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है, इस पर क्लिक किया अपने माउस से, और जहाँ तक भी हमें लेके जानी है कितने फिट कितने इंचेस है, तो हमें फिट इंचेस में किया है ना हमने, तो करेंगे हम। तो हमें सीधी लाइन लेके जानी है या कैसे लाइन लेके जानी है, ये तो हम देखेंगे। देखिए सीधी लाइन अगर आपको लेके जानी है तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे आप, अपना ऑप्शन ये है हमारे कमांड लाइन कमांड बॉक्स के नीचे, ये ऑप्शंस हैं हमारे ऑर्थो मोड F8 की है इसकी, अगर इसको ऑन कर लेंगे यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हमारी सीधी सीधी लाइन आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट में हमारे लाइन बनाए। तो हमें एक लाइन ले लेते हैं हम, जैसे हमें 10 फीट की लाइन लेनी है तो 10 फीट यहाँ पर डाल देंगे 10, और ये हमारे कॉमा लगा देंगे, ये फीट का साइन है 10 फीट, एंटर की, तो ये हमारी, और इसको फिर एस्केप बटन दबा देंगे आपके तो ये कमांड पूरी हो जाएगी। तो हम इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने माउस वाला जो स्क्रॉल माउस वाला जो व्हील है हमारा, उसको स्क्रॉल करके आगे पीछे करके हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं इसको। तो आपको दिख रहा होगा ये 10 फीट की लाइन है हमारी। अब हम इसको और इस लाइन के आगे और ज़्यादा लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो हम कैसे लेके जा सकते हैं, फीट और इंचेस दोनों में हमें करना है। तो फीट हमने फीट तो डाले, इंचेस कैसे डालेंगे, तो फीट इंचेस के लिए बता रहा हूँ मैं, फीट और इंचेस दोनों एक साथ टाइप करके बताऊँ। आप लाइन कमांड को रिपीट करिए, एल टाइप करिए और स्पेस डालिए एंटर, उसके बाद ये वाला स्पेसिफाई पॉइंट करिए, यहाँ पर क्लिक करके हमें आगे बढ़ानी, ऊपर लेके जाना है तो ऊपर, नीचे लेके जाना है तो हम नीचे भी ले जा सकते हैं। सपोज मुझे ऊपर लेके जानी है, यहाँ पर मुझे 5 फीट 6 इंच लेके जानी है ऊपर, तो 5 फीट के लिए एक कॉमा और
फीट के बाद मुझे 6 इंचेस लगेगा, यानी 5 फीट 6 इंचेस, 6 और डबल कॉमा यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और फिर एंटर मार देते हैं तो हमारा, और फिर इसका तो हमारी 5 फुट 6 इंच की ये लाइन होगी। अगर हमें इसको चेक करना है कि हमारी 5 फुट 6 इंच की है या नहीं है तो उसको चेक कर सकते हैं हम। तो एक कमांड है डी आई कमांड डालेंगे, डी आई एंटर कर लेंगे, अब चेक कर लेंगे पहले पॉइंट से, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट से चेक करना है कि हमारी कितनी है, यहाँ से लेके हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए आपको दिखा रहा होगा कमांड लाइन के ऊपर 5 फुट 6 इंच की हमारी लाइन है। इसको चेक करना हो तो दोबारा ये कमांड रिपीट करनी है तो हमें स्पेस दबा देंगे, तो वही कमांड जो हमने लास्ट कमांड यूज़ की थी उसको रिपीट करने के लिए ये वाला ऑप्शन होता है, तो हम इस पर दोबारा स्पेस पर क्लिक कर देंगे, वो कमांड रिपीट हो गई हमारी। फिर यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है फर्स्ट पॉइंट और फिर हमें सेकेंड पॉइंट यहाँ जिसकी हमें डायमेंशनिंग लेनी है, मेजरमेंट लेना है उसको, ठीक है, पे क्लिक कर दिया, ये आ रहा है 10 फीट हो गया, तो हमारी 10 फीट की लाइन हो गई। अब हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे माउस से और डिलीट का अगर हमें करना हो तो डिलीट का कीबोर्ड में हमारा डिलीट का बटन है तो उस पर क्लिक कर देंगे, वरना आप ई दबा के उसको भी एंटर मार देते हैं तो इरेज हो जाता है। तो अब हम इसको यूनिट, अब हम यूनिट चेंज करेंगे, अब हमें काम करना है एमएम में, क्योंकि आपको दोनों में काम करना आना चाहिए, अगर आर्किटेक्चर में, सिविल इंजीनियरिंग में या इंटीरियर में है तो आपको दोनों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो हम यूनिट वाली कमांड दोबारा यूज़ करेंगे, यूनिट आर्किटेक्चर से जाके हम अगर हमें एमएम में करना है काम तो डेसिमल पे सेलेक्ट करेंगे, प्रेसीजन 0, यहाँ इंचेस की जगह हम एमएम का यूज़ करेंगे और ओके कर देंगे। ध्यान रहे कि आपको बीच में ये करना नहीं है कि आप अभी बीच में हमने आधा काम फिट में किया है, फिट इंचेस में किया है, फिर आधा काम हम एमएम में कर रहे हैं, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में लेके जाना है तो वो आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, इसलिए हमें पहले से ही सेलेक्ट करना है कि हमें फिट इंचेस में काम करना है या आपने एमएम में काम करना है। तब हमें एमएम में काम करना है तो चलिए कैसे कैसे यूज़ करते हैं जान लेते हैं इसको। तो लाइन कमांड के पे चल रहे थे हम, तो लाइन कमांड डालेंगे, लाइन कमांड ये है एल, एंटर किया, उस पर हमें स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट करना है, यहाँ से हमें 3000 mm की लाइन लेनी है। तो मैं अब आपको और ऑप्शन बताऊँगा कि लाइन में कैसे कैसे हम कर सकते हैं। 3000 mm ये लाइन आ गई आपकी, एस्केप दबा दिया आपने और जूम आउट कर लिया, ये UCS का हमारे पास आइकन है, बेसिकली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस शो करने के लिए है। अगर इसको हटाना है तो इस पर राइट क्लिक कर देंगे, UCS आइकन सेटिंग, शो आइकन एट ओरिजिन, बस वो उधर से लगाया साइड में, अब हमारे ये नहीं आएगा बीच बीच में बार बार। तो ये लाइन कमांड हमारे, हमने 3000 mm डाल दी, 3000 mm डालने के बाद हमें और ऊपर को इसको आगे बढ़ाना है, ऊपर नीचे हम कैसे कर सकते हैं, हमने लाइन को लेके एल टाइप किया, ये हमें सीधी सीधी लाइन जा रही है, हम इसको इधर उधर भी कर सकते हैं, किसी एंगल पे भी ले जा सकते हैं। तो हमारे ये जो नीचे ऑप्शन है कमांड लाइन के, नीचे जो बॉक्सेस हैं और तो इसको ऑफ कर देंगे हम, तो हम अपने लाइन किधर किसी भी एंगल में हम घुमा सकते हैं। ये देख लीजिए आप, एंगल भी शो हो रहा है यहाँ पे, 35 डिग्री है, 33 डिग्री है, किसी भी एंगल पर हम लेके जा सकते हैं अपने लाइन, उसको ऑफ करने के बाद ऑर्थो मोड जो हमारा ये नीचे वाला ऑप्शन है कमांड लाइन के नीचे ऑर्थो मोड, इसको हमने ऑन कर दिया, हमारी सीधी लाइन जाएगी हमारी। देखिए अब सीधी लाइन जा रही है, अगर ऊपर को करना है तो ऊपर हम एक बॉक्स बना देते हैं, 3000 by 3000 का एक बॉक्स बना लेते हैं, जिसमें कुछ आपको बताऊँगा कैसे कैसे और क्या ऑप्शन है इसके। 3000 फिर उसके बाद में हम यहाँ पर 3000 यहाँ से आप लाइन को लेके जाके एक बार ज्वाइन कर दीजिए,
मेरा क्लोज हो जाए। क्लोज हो गया, अब और बात कर लेते हैं। हमारे नीचे को ऑप्शन है, अब इनका क्या क्या यूज होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग है, इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग में आएंगे, इन सबको हम सेलेक्ट ऑल कर लेंगे। उससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। मिड पॉइंट है हमारा, सेंटर है, तो हमें वो पता चल जाएगा कि हमारे सेंटर कहाँ है, मिड पॉइंट कहाँ है, एंड पॉइंट कहाँ है, एक्सटेंशन कहाँ है, परपेंडिकुलर कैसे शो करना है, तो वो हमारे सारे ऑप्शन दिखे देंगे। इसको हमने ओके कर दिया। फिर अब हम मान लीजिए कि हमें इसके सेंटर, हमें इसके मिड पॉइंट से एक लाइन लेकर जानी है, ऊपर चाहिए इसके कॉर्नर से हमें कुछ लाइन लेकर जानी, तो हमें मालूम चल जाएगा कि कैसे करना है। हमारा ये ऑप्शन ऑन होना चाहिए। इसकी इसका पहचान क्या है, ये हमारा ब्लू सा हमारा हो रहा है ना, ये ऑन है, इसका मतलब और इस वेबसाइट है ऑब्जेक्ट स्नैपसेट हमारी ऑन है, इसका मतलब ये है। तो एक लाइन लाइन कमेंट पे आ रही है, हमने टाइप किया एंटर। देखिए हम जैसे ही इसमें लेके जाएंगे तो मिड पॉइंट का शो हो रहा है। देखिए आप देख रहे हैं मिड पॉइंट, यहाँ से लेके जा सकते ऊपर लेके चले जाएंगे हम इसको, यहाँ पर भी हमारा शो हो जाएगा। मिड पॉइंट हो गया, इस पर क्लिक कर देंगे, एस्केप बटन दबा देंगे, हमारा मिड पॉइंट हो गया। ऐसे ही हमें यहाँ से इस लाइन का मिड पॉइंट लेना है, तो इस पॉइंट का लाइन इस पॉइंट में मिड पॉइंट लेगा, एंड कॉर्नर लेके जाना है तो कॉर्नर भी हमें मिल जाएगा। देखिए कैसे लाइन टाइप किया हमने, ये दिखा रहा है आपको एंड पॉइंट दिख रहा है, यहाँ से हमें लेके जाना है इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट तक लेके जाना है। तो हम पहले ये ऑर्थो मोड ऑफ करके, क्योंकि ऑर्थो मोड होगा तो हमारी सीधी सीधी लाइन जाएगी, किसी भी एंगल पे नहीं जा सकते हम। ऑर्थो मोड ऑफ किया हमने, इसलिए अब हम यहाँ पे लेके जाएंगे इसको कॉर्नर से इसके एंड पॉइंट पे होना है हमें। जैसे देखिए एंड पॉइंट आ गया, एंड पॉइंट पे क्लिक कर देना और एस्केप तो बना देना, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने एल वाली कमांड आपने देख ली, यहाँ से भी इसको हम यूज कर सकते हैं, एल एल टाइप करके, या तो एल टाइप करके यूज़ कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे, हमारी एल वाली कमांड यूज़ हो जाएगी। अब हमें एक पॉलीलाइन दिख रही है, तो इसका यूज़ कैसे करना है तो भी आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करना है। इसको क्लिक किया हमने, एक लाइन खींच ली, एल टाइप किया, जितनी भी हमें लेना है, मान लो आपको लेनी है 1500 लेनी है, और सीधी सीधी चाहिए, अगर स्ट्रेटिंग चाहिए तो इसको ऑटोमेटिक ऑन किया। जो ऑर्थो मोड आपकी बहुत कम आई गई, ध्यान रखिए 1500 एस्केप, ये हमारी 1500 की लाइन हो गई। ठीक है, तो हम इसको बॉक्स बना लेंगे, इसको भी पॉली लाइन का मैं यूज बताऊंगा आपको। इस पर क्लिक किया हमने, 1500 टाइप किया, एंटर किया, अब हमें इधर को लेके जाएंगे 1500 नीचे पर लेके आएंगे आपको। और इसे जो अभी एक लाइन से बना के दिखाता हूँ आपको, 1500 by 1500 का, तो उसमें और पॉली लाइन में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि इसमें और इसमें, इससे हम अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर बनाना चाहें तो उसमें और उसमें क्या फ़र्क आएगा। 1500 by 1500 का जल्दी से मैं आपको बना के दे रहा हूँ, 1500
तो आप देख सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये एक सिंगल लाइन सेलेक्ट हो रही है, और हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस वाले जो हमने पॉली लाइन से बनाया तो पूरा सेलेक्ट हो रहा है, पूरा पूरा सेलेक्ट हो रहा है हमारे पॉली लाइन में। तो बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें एक ग्रुप बन जाता है पॉली लाइन में, और इसमें एक सिंगल सिंगल हमारा ये साइड होती है अलग अलग। इसको डिलीट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा अगला ऑप्शन जो है वो सर्किल है, सर्किल पर क्लिक कर देंगे हम, स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ फॉर सर्किल, यहाँ पे एक पॉइंट दे देंगे जहाँ से भी हमें स्टार्ट करना है। तो अगर हमें रेडियस देनी है तो रेडियस कर लो, रेडियस दे के लिए बना रहे तो रेडियस दे देंगे हम। मुझे 500 रेडियस का सर्किल चाहिए, 500 टाइप किया, एंटर किया मैंने, तो मुझे 500 रेडियस का ही सर्किल बन गया। अगर आपको डायमीटर का बनाना है तो डायमीटर का देख सकते हैं, डायमीटर का कैसे बनेगा। सर्किल पे क्लिक किया, मुझे उसकी डायमीटर चाहिए 700 डायमीटर चाहिए, उसको नीचे आएंगे डायमीटर पे क्लिक कर देंगे, डायमीटर चाहिए कितनी चाहिए 700 डायमीटर, 700 डायमीटर के मीटर, तो 700 डायमीटर का है, ठीक है। सपोज कि ये लेंगे लोग, अब हमें आर्क का यूज़ करना है, आर्क पे क्लिक किया, एक पॉइंट यहाँ पर और सेकंड पॉइंट यहाँ पर, तो हमें कुछ तरीके कुछ इस तरीके से आर्क मिल रहा है, कुछ इसको यहाँ से लेके करके इसको पकड़ के यहाँ पर कर सकते हैं, इसका एंड पॉइंट पकड़ के इस कॉलम से जॉइन कर दिया। अगर इसको हमें आगे पीछे करना है तो इस पर क्लिक किया, जितना भी बड़ा करना है ऐसे हमारा एक आर्क टाइप बन जाएगा, आर्च वगैरह आपको जैसे ही बनाना है इस तरह से आर्चेस बन सकती है आपकी, देख रहे हैं आप, ये हमारा आर्क हो गया। अब बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की हमारे अपनी, तो हमारे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल की हमारी कमांड है आर ई सी, ये तो हम डायरेक्ट इस पर क्लिक कर देंगे तो राइट एंगल हमारा स्टार्ट हो गया। तो स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से जहाँ से हमें राइट एंगल चाहिए, फिर हमारा इस तरह से कुछ मिल जाएगा। ये हमें ये आप देख रहे हैं कि दो डायमेंशन दिख रही है ना, एक इसकी लेंथ हमें बतानी है और एक इसकी ब्रेथ बतानी है रेक्टेंगल की। अगर रेक्टेंगल बनाना चाहें या स्क्वायर बनाना चाहें तो आप इसी रेक्टेंगल या स्क्वायर बना सकते हैं। उसमें भी मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है, मुझे दे रही है 2000 by 2000, कॉमा लगा के दूसरी डायमेंशन दे रही है तो हमें कॉमा लगाना है और उसके बाद में 1000 by 1000 का हमें ये रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है। आप रेक्टेंगल ऐसे बना सकते हैं। उसके बाद में ये रेक्टेंगल के में भी काफ़ी शेप आ गए आपके, आप पॉलीगन बना सकते हैं आप रेक्टेंगल के अलावा, जो थ्री साइड का है कितनी भी साइड आप बना सकते हैं, थ्री से लेके जितनी भी साइड आप बनाना चाहें उतनी बना सकते हैं। यहाँ पे हमने पॉलीगन पर क्लिक किया और उसके बाद में इस पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमें एंटर नंबर ऑफ साइड्स डालनी है, कितनी नंबर हमारी साइड आनी चाहिए पॉलीगन में। मान लीजिए मुझे 6 साइड का बनाना है तो पेंटागन हमारा 5 साइड का होता है, 6 साइड का हमारे पास क्या होता है हेक्सागन कहते हैं उसको, 6 साइड का हमें बनाना है। स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, इंस्क्राइब इन सर्किल, जितना ही बड़ा बना हमारा ये बन जाएगा। देखिए हमारा ये 6 का हमारा पॉलीगन बन गया, इस तरह से ये शेप है। और भी शेप है इसके, ये एलिप्टिकल वाला शेप हमारा, एलिप्स बनाना होंगे, तो ये हमारा एलिप्स बन गया। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे शेप हैं।
इसको सबको डिलीट कर देते हैं सेलेक्ट करने के बाद। सेलेक्शन में और चीज़ है आपकी, मैं आपको बताऊँ, अगर हम जो सेलेक्ट करेंगे राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ को सेलेक्ट करेंगे हम ऐसे करके, अगर हमने थोड़ा सा भी सेलेक्ट किया होगा तो वो हमारा आ नहीं पाएगा, और अगर हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ किया और थोड़ा भी सिलेक्शन हुआ होगा हमारा तो वो सेलेक्ट हो जाएगा हमारा। जैसे आप देख सकते हैं, अगर लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाऊँगा तो हमारा पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाऊँगा सेलेक्ट किया तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। तो इस तरह से ये सिलेक्शन है, दो तरह के इसके सिलेक्शन है। तो आप जल्दी से आ जाते हैं जो हमारी मेन चीज़ है, ये तो हमारी बेसिक चीज़ें होगी। तो सबसे पहले अब हमारी जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें एक रूम बनाना है, उसको हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है वो चीज़ें हम बताएंगे आपको। एक रूम का साइज़ ले लेते हैं हम 12 फीट बाय 14 फीट का हमें एक रूम बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, तो रेक्टेंगल हमारी एक कमांड है, रेक्टेंगल याद रहे कि अभी हम फीट इंचेस में काम नहीं कर रहे, हमें हम एमएम में काम कर रहे हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक फीट में कितने एमएम होते हैं। एक फीट में हमारे 300 एमएम होते हैं, और फिर 12 की हम 300 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा 12 फीट है, तो 12 फीट की 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 एमएम में हो जाएगा। और जो 14 फीट है हमारा, 14 फीट की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से तो हमारा 4200 एमएम हो जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से 12 फीट बाय 14 फीट का जो होगा 3600 बाय 4200 एमएम का एक रूम बनाना है हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल हमने कमांड किया, REC एंटर किया, उसको स्पेसिफाइड फर्स्ट कॉर्नर हमने एक डायमेंशन डाल दी है 3600, 4200 एमएम पर एंटर किया। हम इसको कर लेना है जूम इन, जूम इन करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरह से खुल गया। अब हमें इसको इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें इसकी वॉल भी बनानी है ना, हमें इसकी हमें इंटीरियर करना है, इसको थोड़ा सा हमें इंटीरियर करना है। तो उसके लिए हमें वॉल भी चाहिए इसकी। तो वॉल हमारी कैसे आएगी, तो वॉल के लिए हम क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड है हमारे पास वॉल के लिए। तो ऑफसेट कमांड यूज़ करेंगे, वो टाइप किया, एंटर किया, ये ऑफसेट हमारी यूज हो गई कमांड। अब इसमें हमें डालने के लिए कह रहा है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है, पैरेलल डिस्टेंस होता है। वॉल बनाने के लिए हमें एक वॉल बनाने के लिए हमें ऑफसेट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे वॉल डिपेंड करते हैं आपकी 4 इंची की वॉल है यानी 100 mm की वॉल है, सिंगल ब्रिक की वॉल है या डबल ब्रिक की वॉल है। अगर डबल ब्रिक की वॉल है तो 9 इंचज में होती है यानी 230 mm में, और अगर सिंगल ब्रिक की वॉल है तो हमारी 4 इंच या 100 mm में बनती है। तो यहाँ पर हमें एक 9 इंच वाला ले लेंगे जो हमारा 230 mm होगा। 230 हम टाइप करके एंटर कर देंगे। ये हमारा, ये आप देख रहे हैं ये पिक बॉक्स, ये हमारा जो है कि पिक बॉक्स हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे इसकी वॉल पर। अब अगर हमें अंदर में चाहिए ऑफसेट तो अंदर में आ सकता है हमारा, अगर बाहर चाहिए देखो तो बाहर भी आ सकता है। देख रहे हैं ये, मैं अगर जो कर्सर लेके जा रहा हूँ ये क्रॉस हेयर, अगर इधर को लेके जा रहा हूँ तो ये अंदर में जा रहा है ऑफसेट, अगर इधर जा रहा हूँ तो बाहर में जा रहा है। तो हमें इंटीरियर करना है, तो हमें 3600 बाय 4200 mm का साइज़ है इसका, तो हम बाहर से इसका ऑफसेट लेंगे ताकि हमारे अंदर के इंटरनल डायमेंशन डिस्टर्ब ना हो। हमने बाहर 230 mm ले लिया इसका। उसके बाद अब चलिए क्या करते हैं हम इसको, अब हम इसको कर लेते हैं एक्सप्लोड। हमारी एक लाइन है, हम इसको एक्सप्लोड कमांड यूज करने के लिए हमें एक्सप्लोड एक्स टाइप करते हैं यहाँ पर और एंटर करते हैं। अब देखिए एक्सप्लोड कमांड क्या होती है, इसको ब्रेक करने के लाइन को ब्रेक करना है हमें सारे, जिससे हमारी एक आसानी हो जाए।
वरना तो हम चाहते तो लाइन लाइन से बना के हम लाइन वाली कमांड यूज करते हैं, इसको रेक्टेंगल बनाते हैं तब जाके एक, तो उसमें टाइम लगता है। तो अब क्या करेंगे हम इसको ब्रेक कर देंगे तो सर्कल बन जाएगा। हमने सेलेक्ट किया एंटर किया, ये हमारी सिंगल सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, ये अलग लाइन है ये अलग लाइन है, ठीक। उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। अब हमें जो बनाना है वो में सबसे पहला डोर बनाना है। तो डोर को कट कैसे करना है, तो हमें ऑफसेट लेना है, ऑफसेट वो टाइप किया ऑफसेट कमांड, कितने कितने का हमें डोर लेना है, उसकी डोर की विथ कितनी होनी चाहिए। हम 900 mm का डोर ले लेते हैं, 3 फीट जो होता है हमारा, ये स्टैंडर्ड साइज होता है किसी भी रूम के लिए, 900 हम mm ले लेते हैं। यहाँ से हमने अंदर वाली लाइन से इसका ऑफसेट लिया 900 mm। अब हमें इस दीवार को काटना है, हमें ये आप देख रहे हैं यहाँ से हमें दीवार को काटना है, तो इस लाइन को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। इस पर हम क्लिक करेंगे इस लाइन पर, और ये जो हमारा ये आ रहा है ब्लू, इसको आगे बढ़ा लेंगे इस पर क्लिक करके, कटिंग एजेस हमारी बन गई। और ये हमारी ये एक ये है लाइन अंदर की, इसको भी हम आगे बढ़ाते हैं, इस पर सेलेक्ट करके आगे कर लिया। और इसके बाद तो अब हमारी ये कटिंग एजेस बन गई, जिससे हम ये इसको काट सकते हैं। इसको तो हमारी काटने के लिए ट्रिम कमांड है, हम यूज कर सकते हैं ट्रिम कमांड, TR उसका शॉर्टकट है कमांड का, TR एंटर भी हमने, या तो हम इसको सेलेक्ट करें और इसको सेलेक्ट करें और एंटर कर दें, तब हमारी कमांड ये यूज होगी, इससे हम यहाँ से कट कर सकते हैं। और आपको और जल्दी काम चाहिए तो आप कंट्रोल सेट से वापस चाहिए और TR कमांड दोबारा यूज कीजिए। TR कमांड के एंटर आपने किया, एक बार डबल एंटर कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट, आपको भी ये सेलेक्ट करनी पड़ेगी, डायरेक्ट हमारे कट जाएगा। सेलेक्ट कर फिर इस पर जो आपको नहीं चाहिए वो हटा दीजिए, ऐसे इस पर क्लिक कर दिए कट जाएगा, इस पर क्लिक कर दिए कट जाएगा, तो आपका रूम का डोर का शेप आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या क्या करना है और ट्रीटमेंट इसके अंदर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको यहाँ से कोई भी राउंड लेना है या कुछ और लेना है, आपकी दीवार में यहाँ पर कुछ ऐसा शेप आ रहा है जो आपको राउंड लेना पड़ रहा है, तो आप राउंड कैसे लेके जा सकते हैं, तो फिलेट कमांड है उसके लिए, फिलेट कमांड आगे भी यूज होगी, आप देखना आगे भी यूज में आपकी फिलेट कमांड के लिए। फिलेट कमांड हमने टाइप की और रेडियस पे क्लिक करने के बाद हमें रेडियस टाइप कर देनी है, कितने का हमें एक कॉर्नर काटना है। तो समझ लीजिए मुझे 500 mm का कॉर्नर काटना है, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो मेरा 500 mm का ऐसे कॉर्नर कट गया। तो ये यूज है फिर क्लिक कमांड वापस लाते कंट्रोल जेड से। उसके बाद बताए थे हम इस रूम में विंडो बनानी है, जैसे हमने इस रूम में विंडो बनानी है, तो हम विंडो कैसे बना सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हम इसको एक सेंटर ले लिया, हमने यहाँ पर इसका सेंटर लेने के लिए हम लाइन कमांड यूज करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए हमें बीच में एक विंडो बनानी है ना, यहाँ पर सपोज कि हमें यहाँ पर विंडो बनानी है, तो हम मिड पॉइंट लेके एक इधर कर दो नीचे, तो बस मिड पॉइंट बन गया। मुझे विंडो बनानी है 1200 mm की, यानी 4 फीट की मुझे विंडो चाहिए, जिसकी विथ जो 4 फीट हो। ये प्लान बना रहे हैं, याद रखिए कि हम प्लानिंग कर रहे हैं, प्लान जो होता है वो टॉप व्यू होता है, हम ऊपर से कैसे देखेंगे, जो जिसको हम नक्शा कहते हैं भाषा में, जो नक्शा होता है वो ये चीज़ है। तो ऐसे इसको ट्रिम कर लेंगे TR डबल एंटर,
ऑफसेट लिया हमने, ऑफसेट 600, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, इधर भी मुझे 600 का चाहिए और ऑफसेट मुझे इधर भी 600 का चाहिए, तभी तो मुझे 1200 एमएम की विंडो मिलेगी। अब मैं इसको डिलीट कर दूँगा ऐसे, ऑफसेट बीच वाला जो मिल गया था सेंटर, तो हमारा ये 1200 एमएम की विंडो आ जाएगी विद। अगर आपको चेक करना है कि 1200 एमएम का हुआ है, डी आई कमांड, ये फर्स्ट का है, सेकंड देखिए आप नीचे देख सकते हैं 1200 एमएम की ये साइज हो गया इसका। अब मैं इसको ट्रिम कर लूँगा, टी आर डबल एंटर, फिर मैं लाइन कमांड यूज करके इसको विंडो बनाऊंगा। फिर दोबारा लाइन कमांड यूज करूँ, ये एक यहाँ से इसको मैच कर दिया मैंने, इसके बाद अब मुझे इसका ऑफसेट लाइन विंडो का साइन होता है, आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। ऑफसेट लिया हमने 75 का, यहाँ से हमने ट्रिम, हमने इसको बीच वाले को ट्रिम क्यों किया था, वरना अगर अगर हम इसको ट्रिम नहीं करते यहाँ की विंडो को 1200 एमएम जो है, तो हमारा ये ऑफसेट नीचे तक आया था, ये हमारा अभी आ रहा है नहीं आया था पूरा, हमें इसका नीचे तक आया था, इसलिए हमने इसे फिर से लिया। तो हमारे एक विंडो बन गई, हमारा विंडो बस साइन है, ऐसे हम विंडो को शो करते हैं। मान लीजिए मुझे पैड बनाना है इसमें, तो पैड बनाने के लिए क्या करेंगे, वही रेक्टेंगल का मैं यूज़ करेंगे, तो पैड 1800 बाय 2000 ऐसे कुछ हम बना लेते हैं, 1800 बाय 2000 एम एम। तो हम इसको ऐसा मॉडलिंग कर सकते हैं, इसको चाहे तो हम इसका फुल मोड बना सकते हैं, इसको आर ई सी फिट का मॉडल यूज़ किए होंगे, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई किया, ये हमारा हेडबोर्ड है, हेडबोर्ड बना रहे बेसिकली कर दिया हमने, ये एक हेडबोर्ड बन गया इसका। अगर हम इसको साइड में टेबल वगैरह लगा देंगे, टेबल वगैरह बैठ साइड के टेबल यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, जितने भी आपको लेनी है, मान लीजिए ऐसे ही हम ले रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके सी ओ कमांड है कॉपी की, सेलेक्ट किया सी ओ एंटर किया, स्पेसिफाई बेस पॉइंट कहाँ से आपको लेके जाएंगे, तो मुझे यहाँ से इसको यहाँ लेके जाना है, कॉपी करके लिख करके छोड़ देना है, और ये ऐसे जो है बेड साइड ये टेबल में, अब मुझे इसको रोटेट करके लगाना है, तो रोटेट कमांड के लिए आर को टाइप किया, एंटर किया, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे इधर को, यहाँ पर ये सेलेक्ट करके एंटर किया, जहाँ पे भी अगर हमें मिड पॉइंट लेना है तो इसके इस लाइन के मिड पॉइंट पे देखना है, तो मिड पॉइंट ले लेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ऑर्थो मोड ऑफ कर लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट पे आ जाएगा, मिड पॉइंट पे हम बैठ लेंगे, मान लीजिए हम अब हमें और क्या क्या करना है, अब हम इसका यूज ना करके हम डायरेक्ट जल्दी से हम कैडेसिस से इस पर आ जाते हैं, अपने मॉडलिंग से समझिए कैसे कैसे मॉडलिंग कर सकते हैं, कुछ भी हम बना सकते हैं, ऐसे हमें टेबल बनानी हो तो आर ई सी करके हम टेबल बनानी हो तो टेबल बना सकते हैं, जितने भाई जितने की हमें टेबल बनानी है, जैसे मुझे 1500 बाय 600 की टेबल बनानी है, 1500 कॉमा 600
ये टेबल है, उसको यहाँ रखना है। सीओ सीओ की जगह आप मूव कमांड यूज कर सकते हैं। इसमें सीओ यूज करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, ये यहाँ पर भी रहेगी चीज़ और वहाँ पर भी आ जाएगी। मूव कमांड से क्या है, हम टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे तो हमारी मूव बता रहा है कि कौन से स्पेसिफिक, इसको सेलेक्ट करेंगे, एम टाइप कर देंगे, एंटर कर देंगे, मूव कमांड यूज हो गई। मूव से हम इसको पूरा उठा के रख सकते हैं कहीं भी, जैसे हमें यहाँ पे कोई टेबल लगानी हुई, टेबल लगानी हुई, यहाँ टेबल लग जाएगी। तो इसको भी हम एक प्रॉपर मैनर में हम करके बताते हैं कैट ब्लॉक्स के थ्रू, जो होता है इतना ज़्यादा बर्डन हम नहीं लेते अपने ऊपर। हमारे कैड ब्लॉक्स जो होते हैं उससे बहुत आसानी होती है, तो हम कैड एसेसरीज पे हम अपने फोकस कर देते हैं, जहाँ पे हमें जल्दी से जल्दी, क्योंकि हमें सबमिशन करना होता है और जल्दी से वर्क देना होता है, काम हमारे पास बर्डन बहुत रहता है जॉब में, तो इसलिए हम कैड एसेसरीज को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे कैड एसेसरी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसको हमने मिनिमाइज कर दिया, ये कैड एसेसरीज आ जाएंगे हमारे यहाँ पर। कैड एसेसरीज है, उसको हम ओपन कर लेते हैं कैड एसेसरीज को। तो हमारी ये कैड एसेसरीज को जुड़ी है, आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, पूरा एक पूरा पूरा बेड मिल जाएगा हमें, टेबल मिल जाएगी, डब्ल्यू सीज मिल जाएंगे हमें, यहाँ पे डाइनिंग टेबल मिल जाएगी हमें, यहाँ पर हमें अलमीरा मिल जाएगी, अलमीरा का प्लान मिल जाएगा हमें, ट्रीज मिल जाएंगे हमें, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कैड ब्लॉक्स। ये मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक दे दूंगा मैं आपको, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये देखिए आपको टेलीफोन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ऑफिस का फर्नीचर है, रूम का है, रेस्टोरेंट का है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। इसमें कुछ एलिवेशन भी हैं, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये कुछ एलिवेशन भी हैं हमारे पास। ये हमारे प्यूपिल पब्लिक है, हमें किसी पब्लिक को या प्यूपिल को लगाना है अपने कैट, वो भी लगा सकते हैं। ये हमें डोर है, मैं अभी आपको डोर भी बनाना सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। एक तो वो है ट्रेडिशनल मेथड जो डोर बनाने का, और एक यहाँ से डायरेक्टली डोर को भी उठा सकते हैं। चलिए आते हैं अपने ड्राइंग पर। उससे पहले मैं आपको डोर बनाना सिखाता हूँ। तो डोर कैसे बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा डोर बनाने का, तो REC टाइप किया हमने, एंटर किया, उस पर फर्स्ट पॉइंट यहाँ से हमें 50 विथ ले लीजिए उसकी, और जो लेंथ होगी हमारी उसकी वो 900 का डोर है ना हमारा, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद एक हम लाइन ले लेंगे यहाँ से, 50 हमारा ये हो गया था इसकी विड्थ, और हमारा जो बचा 900 है हम का, तो 850 हम उसकी एल लेंगे, लेंथ इसकी लेंगे यहाँ से, लाइन हो गई एक 900 इसकी, और थम वर्ड वन करके लाइन मिल गई 850 की। एंटर। ये हमारा एक डोर का सैंपल तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पे आर कमांड यूज करेंगे, आर पेम टाइप किया, क्लिक किया, आर पेम में क्लिक किया, और यहाँ से हमारा एंटी क्लॉक वाइज चलता है, इसमें हमने स्पेस कॉर्नर क्लिक किया,
यहाँ से लेके जाएंगे हम इस पे डोर्स में पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपको इस तरह से बन गया है। हम इसको एस्केप कर देंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर एंड पर इसके। एस्केप कर देंगे, ये हमारा डोर पे ही हो गया। अब हम इसको कैसे लगा दें, इसको इसको ब्लॉक बना लेंगे वरना ये टुकड़ों में जाएगा हमारा। ये इस लाइन को रफ कर देते हैं क्योंकि अलग अलग लाइन है ना, ये अलग है ये अलग है। इसको एक ब्लॉक बनाने सेलेक्ट किया, ब्लॉक की कमांड है ब्लॉक बी कुछ भी ना डोर टाइप करते थे इसका नाम डोर और ओके कर दिया। याद रखिए कि ये आपका कन्वर्ट टू ब्लॉक पे क्लिक होना चाहिए। ओके तो हमारा ये ब्लॉक हो गया पूरा, एक ये ग्रुप में हो गया, सेलेक्ट करने के लिए ग्रुप में हो गया। अब इसको लगा सकते हैं हमने डोर को। डोर को लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे अपने एम से, रख लेंगे इधर। कर लेंगे जूम इन, तो अभी हमारा इसको रोटेट करना पड़ेगा। सेलेक्ट किया, रोटेट कमांड क्या है आर ओ टाइप किया, एंटर किया, यहाँ से हम इसको रोटेट कर सकते हैं। लेकिन इसको हम ऑसम ऑन कर लेंगे, अब जाके हमारा रोटेट आसानी से हो जाएगा। देखिए मुझे इधर करना है, रोके करके अब मुझे यहाँ से पकड़ के इसको मूव कर देना है। सेलेक्ट किया, मूव कमांड किया, एंटर किया, जिस कॉर्नर से कॉर्नर मिलाना है उस पर क्लिक किया और तो मोड ऑफ किया हमने। मुझे पता चल जाएगा यहाँ से, बस इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं इसे। तो हमारा ये डोर लग गया। अब ये तो हमारा एक ट्रेडिशनल में है, इसको हम एडिट कर देंगे। अगर हमें अब लाना है वहाँ से कैड एसेसरीज से, हम यहाँ पर डायरेक्ट डालेंगे कैड एसेसरीज को ओपन कर लेंगे अपनी, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है। यहाँ से हम कोई भी डोर सेलेक्ट कर लेंगे जो हमें चाहिए होगा, जैसे मुझे ये वाला चाहिए होगा, इसको सेलेक्ट किया सिंपली कंट्रोल सी, कंट्रोल सी टाइप कर दिया मैंने, ये कॉपी हो गया हमारा। अब हम उस वाली ड्राइंग में अपनी ड्राइंग जो हमारी है जहाँ पर हम कर रहे हैं यहाँ पर लाके उसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल बी से, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम मिरर कमांड के बारे में बताऊँ आपको मैं। यहाँ पर हम मिरर कमांड यूज़ करके इसको हम दो डोर जाएंगे हमारे बेसिकली, तो हमें आसानी मिलेगी। ये वाला डोर हमारा जो बना हुआ है वो लेफ्ट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए हमारा डोर नहीं है। अगर यहाँ पर आपकी वॉल ख़त्म होती तो ये वाला डोर कम हो जाता, इसलिए हमें इसका मिरर चाहिए जो हमारा यहाँ पर। तो मेरे कमांड के लिए इसको सेलेक्ट कर लीजिए एम आई एंटर, आपकी स्पेसिफाइड फर्स्ट लाइन होगी तो मेरे यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, काम होना चाहिए आपकी। इसको हम और थंब होल्ड ऑन कर लेंगे, हमारा सीधा सीधा हो जाएगा। तो ये हमारा ये मेरा डोर आ गया। अब हम इसको आर ओ कर लेंगे रोटेट, यहाँ पर क्लिक किया, जिस जैसे भी हम चाहिए बस हो गया। अब हम इसको मूव कर लेंगे एम कमांड से, मूव किया हमने, हम इसको छोटा करना है तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए कमांड है एस सी एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट फिर एंटर किया,
फिर स्पेसिफाई बेस पॉइंट क्लिक किया उस पर, फिर हमें रेफरेंस देना है, रेफरेंस के लिए आर कहाँ से लेके कहाँ तक हमें करना है, वो रेफरेंस है यहाँ से लेके हमें यहाँ तक जा रहे हैं। इसको मूव कर लेते हैं, देखते हैं कैसा आता है। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, मूव। अभी भी छोटा बड़ा है, इसको हम चाहे तो ऐसे बस हो गया। ये हमारा मॉडर्न मॉडर्न मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड इसको यूज। अब हमें मान लीजिए हम बेड यूज कर रहे हैं, इसको अच्छा सा बेड यूज करना है, तो फर्नीचर लेआउट करना है, इसको कट कर लिया हमने, एडिट कर दिया हमने इसको सबको। मुझे चीजें लगानी है इसमें, जल्दी से जल्दी हम चीजें लगाते जाएंगे, कैडेसिस सही से उठा के अपने ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बेड बेड लगाना है इसमें, तो सबसे पहले हम इसको बेड देख लेंगे, हमारे बेड कहाँ कहाँ है। पैन एंड जूम का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं इसको, वेलकम देख सकते हैं आगे बैठ के, तो जो भी पसंद हो आप वहाँ वो बेड उठा सकते हैं। मान ली मुझे रेड वाला बेड लगाना है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा रेड वाले बेड को, सेलेक्ट किया और कॉपी किया। और अपनी ड्राइंग में इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए अभी कह रहे हैं कि इंसर्ट करना है इसको, कहाँ पे कहाँ पे रखना है इसको उठा के, तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। साइड में गया, क्लिक किया तो हमारा इंसर्ट हो गया। अभी आप देखेंगे ये बहुत अलग 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 लेयर में हुआ हुआ है, इसको हमें ग्रुप करना है, क्योंकि हमें मूव करना होगा पता चला हर सारी चीज़ अलग अलग है तो बहुत हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। इसको पूरे को सिलेक्ट किया, ब्लॉक की कमांड किया ब्लॉक बी, ये हमारा पैड है, इसका नाम है पैड, कन्वर्ट टू ब्लॉक और ओके, तो हमारा एक लेयर में हो गया। अब हम इसको मूव कर सकते हैं आसानी, सेलेक्ट किया रोटेट करने में इसको आर ओ, ये हमारा रोटेट हो गया। एम से एम कमांड है मूव कमांड, मूव कर लेंगे इसको यहाँ से उधर, सेंटर में करना है हमें इसको, बहुत ज्यादा बाहर आ गया तो इसको अंदर कर लेते हैं, सेलेक्ट हमारा ये बेड आ गया, ये हमारे विंडो विंडो वाली साइड आ गई। अब हमें यहाँ पर चाहिए कुछ एक अलमीरा या कबर्ड हमें रखना है, ये वार्डरोब हम बना सकते हैं यहाँ पर, तो हम जल्दी से अपने कैड एसेसरीज में वार्डरोब देख लेंगे कुछ इस तरह का, हमें स्टोरेज करना है। देखिए हम कुछ इस तरह का ये वाला वार्डरोब ले लेते हैं, जिस पर हमारा फ्लोर वेस भी रखा हुआ है, सेलेक्ट किया, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से और अपने ड्राइंग पे वापस आ जाएंगे।
यहाँ से और इसको पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी से। ये हमारी ये भी अलग अलग है, इसको भी हम ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट किया हमने इसको, सेलेक्ट किया ब्लॉक कमांड बी एंटर, हमारी वॉल ड्रॉप कहते हैं इसको, वॉल ड्रॉप ओके। अब इसको हम मूव कर लेते हैं, मूव करने का मन जो है यहाँ से हम बेस पर ले लेंगे, वहाँ से हम फिट करने इसको यहाँ से लेके हम इसको यहाँ कॉर्नर से फिट कर लेंगे। देखिए अभी हमारी ये वाली जगह है, इसको हमें किस तरह यूज करना है वो देख रहे हैं। यहाँ आप ड्रेसिंग टेबल भी रख सकते हैं या आप यहाँ पर स्टडी टेबल भी बना सकते हैं अपने लिए। तो अभी हम यहाँ पर इसको ड्रेसिंग टेबल रख लेते हैं, इसको इसका ऑफसेट लेके हम ऐसे ड्रेसिंग टेबल बना लेते हैं। ऑफसेट कमांड से हम 500 एंड उसकी विथ ले लेंगे 500 PR, इसको ट्रिम कर लेंगे यहाँ से और इस लाइन को एक्स्ट्रा पर डिलीट कर देंगे। हमारी एक ये ड्रेसिंग टेबल बन गई। हमें यहाँ पर कुछ स्टूल रखना है या चेयर रखनी है, कुछ भी रखना है तो यहाँ पर रख सकते हैं। इसको सर्किल बना दिया हमने, यहाँ पे सर्किल से बड़ा मुश्किल कर सकते हैं। अब हमारी ये वाली जगह है, ये वाली जगह हम सामने अपने टीवी यूनिट लगा सकते हैं, जितने का भी आप लगाना चाहें अपना बड़ा टीवी यूनिट बनवा सकते हैं। रेक्टेंगल कमांड देखिए कितनी यूज आ रही है हमारी रेक्टेंगल कमांड। यहाँ से ले लेता हूँ आपका टीवी यूनिट बनाना, इतना बड़ा जैसे टीवी यूनिट हो गया। अब यहाँ से आप अपनी LED लगा सकते हैं इस पर, इस वॉल पे इसका सेंटर लेके फिर रेक्टेंगल कमांड यूज करेंगे वाला EC। यहाँ से हम अपने हिसाब से बस जो लग जाएगी टीवी लगा हुआ है दिख जाए, बस टीवी में हमारे उसके बाद और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पर अगर आप कुछ सोफा वगैरह या कुछ और सीटिंग लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमारा जो हो गया इस वाले एरिया पे हमारा इस वाले एरिया जो है हमारा ड्रेसिंग टेबल हमने कर दिया। यहाँ पर हम स्टडी टेबल वगैरह भी बना सकते हैं, यहाँ पर जो हमने विंडो के पास में स्टडी टेबल दिया ताकि रोशनी वगैरह जो हमें आ सकते हैं, या इस साइड को हम AC वगैरह भी लगा सकते हैं अपने रूम के लिए, या यहाँ पर AC भी लगा सकते हैं। अभी मुझे अगर स्टडी टेबल लगाना हो या साइड से कॉर्नर में लगाना इधर लगाना तो आप यहाँ पर स्टडी टेबल भी लगा सकते हैं। अब जो जिस तरह भी फर्नीचर का अरेंजमेंट करना चाहें वो आप फर्नीचर का अरेंजमेंट कर सकते हैं इसमें। उसके बाद में आपको बताऊंगा इसकी डायमेंशन कैसे करनी है। अब हमने लगा तो ये चीज़ें हमें मालूम है कौन सी क्या साइज है, दूसरे को क्या मालूम, लेबर को क्या मालूम कितने बाय कितनी चीज कौन सी चीज़ कितने बाय कितने की है, तो फिर हमें उसके लिए हमें डायमेंशन करनी पड़ेगी ताकि लोगों को आसानी हो, लेबर को हमारी आसानी हो जाए कि किस तरह को काम करना है वो ड्राइंग समझ जाएंगे। तो उसके लिए हम चलिए डायमेंशनिंग शुरू करते हैं।
डायमेंशन कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी टाइप करना पड़ेगा और एंटर करना पड़ेगा। ये हमारा डायमेंशन स्टाइल खुल गया। अब हम इसमें ये तो स्टैंडर्ड के हिसाब से चल सकते हैं, हम न्यू ले सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यू ले रहा हूँ जिससे हम अपनी सेटिंग्स अपने आप क्रिएट कर सकें। यहाँ पर मैं इसको कुछ नाम दे दूँगा इस स्टाइल का, इस स्टाइल का नाम दे दूँगा थोड़ा करके कंटिन्यू। उसके बाद हमारा ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, तो इसमें ये लाइन से हम शुरू करेंगे। ये हमारा लाइन है, तो लाइन में आप ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसमें हम कलर ले कलर चूज कर सकते हैं, कौन सा कलर डायमेंशन के लिए देखिए आप। तो हम यहाँ पे ये वाइब ब्लॉक चल रहे हैं, तो लाइन टाइप ले सकते हैं आप। यहाँ पे कौन सी आपको लाइन लेनी है, यहाँ पे लाइन वेट दे सकते हैं, कितनी मोटी, क्योंकि थिकनेस ऑफ लाइन कितनी मोटी लाइन दिखे, कितनी मोटी लाइन नहीं दिखे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। तो अभी हम यहाँ पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसको, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा सिंगल एंड एरो से ऑप्शन है, तो हमारा जो चलता है ये आर्किटेक्चरल ट्रिक चलता है। तो फर्स्ट में हम आर्किटेक्चरल ट्रिक ले लेंगे, देखिए आर्किटेक्चरल ट्रिक है। सेकेंड में भी हमारा आर्किटेक्चरल ट्रिक है। उसके बाद में हमें आया एरो साइज, यहाँ पर हम 90 रख लेते हैं अपना, बाकी फिर हम टेक्स्ट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप टेक्स्ट की हाइट दे सकते हैं कि आपकी टेक्स्ट कितनी हाइट होनी चाहिए। यहाँ पर हम 150 mm ले लेते हैं उसको। यहाँ पर आपने देखा 150 mm। ड्रॉ फ्रंट पे क्लिक कर देंगे तो फ्रेम आ जाएगा यहाँ पर, और इसको चेक कर देंगे तो फ्रेम हट जाएंगे। बहुत सारे ऑप्शन, टेक्स्ट प्लेसमेंट, वर्टिकल चाहिए, सेंटर चाहिए, अबाउट चाहिए, ब्लू चाहिए, वो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें होती हुई नज़र आ जाएंगी। तो हम यहाँ पे सबको सेंटर पे रहते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे आ जाते हैं प्राइमरी इमेज जो हमारा चल रहा है। हमारे डेसिमल में काम करना है तो डेसिमल में यहाँ पर इसका प्रेसिजन 0 0 0 और ओके कर देना है और क्लोज कर देना है उससे। अब यहाँ पे हम डायमेंशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायमेंशन कमांड के लिए हमारा ऊपर जो ये पैनल है यहाँ से हम डायमेंशन ले सकते हैं। इसके क्लिक करें हमने, हमें जहाँ की भी डायमेंशन चाहिए वहाँ की डायमेंशन हम ले सकते हैं। जैसे मुझे ये चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, इस पर क्लिक करके इसको नीचे ले जाइए और ओके कर देंगे। डायमेंशन पे क्लिक करना है आपको, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, इसको ऊपर कर देंगे। तो ये आपका 4060 हो गया। ये एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन क्या थी, अगर हम इंटरनल लेना चाहें तो इंटरनल भी ले सकते हैं यहाँ से। यहाँ इंटरनल डायमेंशन यहाँ से लेके अंदर से अंदर हमारा क्या लिया था, हमने 3600 लिया था, 3600 उसको यहाँ पर दिखा सकते हैं। अगर हम इसको सिंपली डिलीट कर लो, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, बाकी इसको हमें ऊपर नीचे आगे पीछे करना हो तो आगे पीछे भी कर सकते हैं 36 mm। बाकी जिस जिधर भी हमें डायमेंशन करनी है वो डायमेंशन कर सकते हैं। जैसे हमें विंडो की डायमेंशन करनी है कि कितने के बाद कितने, अगर हमें विंडो की डायमेंशन करनी है कि हमारे रूम में विंडो कितना डोर के बाद हमें एंटर होने के बाद राइट साइड में
कितनी डिस्टेंस के बाद ये विंडो आनी है, तो हमें उसकी डायमेंशन करनी है। यहाँ से लेके हम यहाँ पर क्लिक किया हमने, इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ देंगे। हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक विंडो का साइज हमारा 1200 था। देखिए 1315 के बाद 1200 की विंडो हमारी है, 1300 के बाद 1315 डिस्टेंस छोड़ देंगे 1200 की विंडो है। उसके बाद हमारा जो आगे का बचा वो हमारा आगे का साइज है, तो इससे हम डायमेंशन कर सकते हैं इसे इस तरह से, कुछ भी हम कर सकते हैं। आपको टीवी यूनिट का करना है या पूरे रूम का करना है, तो इस तरह से डायमेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हमें यहाँ पर लिखना हो, टैक्स वगैरह लिखना हो, तो टैक्स के लिए हमारी ये कमांड इस हमारे डायलॉग बॉक्स के टैक्स के लिए इस पर क्लिक कर देंगे हम, जहाँ से हमें स्टार्ट करना है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर। ये हमारा खुल गया, ये टैक्स के लिए हम यहाँ पर टैक्स हम टाइप करना शुरू करेंगे। यहाँ पर टैक्स तो यहाँ ये आप ऊपर देख रहे हैं ये साइज है, किस साइज का आपको टैक्स लेना है। यहाँ पर मान लीजिए 200 के हाइट का टैक्स लेना, 200 रूम लिखना है, रूम आर डबल ओ एल, एंटर किया, एस्केप। अब ये कहाँ चला गया हमें नहीं मालूम किधर आया, तो हम इसको ढूंढने के लिए जेड एंटर कर देंगे और ए एंटर, तो हमारी जो चीज़ है वो मिल जाएगी हमें। कहीं भी चीज़ हमें कोई ऑटो कैंड कोई चीज़ नहीं मिल रहा, तो हम ये वाली कमांड यूज़ कर सकते हैं जेड एंटर ए एंटर, तो हमारा रूम जो हमने टाइप किया था रूम वो ये है हमारा। इसको हम कॉपी कर सकते हैं सी ओ, जहाँ पर भी हम रखना चाहें इसको वहाँ पर रख सकते हैं। समझे यहाँ पर रखना था ये हमारा रूम, मुझे बताना है कितने बाई कितने का है। ये बेसिकली बीच में होता है, बीच में हमारी जगह नहीं है, साइड में होता है, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं हम इसको रूम देखने के लिए, ताकि बीच में होता है फर्नीचर का हमारा अलग प्लान बनता है। तो इसमें ऐसे ही करके आपको बता रहा हूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। रूम में हम या तो हम यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं पूरा फॉन्ट, अगर हमें इसको ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, कोई और सा फॉन्ट करना है इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसे हमारा बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, या इसमें कलर करना है हमें रूम वाले में, तो ये हमारा कलर भी चेंज हो जाएगा सेलेक्ट करके। जैसे हमें यहाँ पर ब्लू लेना है तो ब्लू लेना है, तो दिख भी नहीं रहा सही, तो हम यहाँ पर वाइट ले लेते। तो रूम हमारा कितने में कितने का था, 3800 बाय 4200, 3600 ये हमारा रूम होता, 3600 बाय 4200। इसको हमें सेंटर में कर लेना है, सेंटर में ये मेरा सेंटर हो गया। इसको मूव कर लेंगे एम कमांड यूज करके, अब बात कर लेते हैं हैच कमांड की। हैच कमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है यूज़ करने के लिए, हैच कमांड बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, उसको यूज़ करना मैं आपको बताता हूँ। डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं हैच, किसी चीज़ को हमें हाईलाइट करना हो, ये शो कराना हो इस तरह से,
उसमें कलर करना हो किसी ऑब्जेक्ट में, तो हैच कमांड से हम उसको कलर यूज़ कर सकते हैं। उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें फिल करना हो कलर से तो वो कर सकते हैं। तो चलिए हैच कमांड के लिए एच ए अब हमें जैसे इस वॉल में करना है, ये वॉल हमें कैसे शो कराते हैं ड्राइंग में वो बताते हैं आपको। तो ब्रिक हमें इस वॉल में ब्रिक शो करनी है, तो ब्रिक करने के लिए हमारे पास ये जब आप हैच कमांड टाइप कर देंगे एंटर कर देंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये पैनल नजर आएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिल जाएंगे आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे आपको सैंड का टेक्सचर लगाना हो या ग्रास का लगाना हो ब्रिक का लगाना हो कैसा आपको मालूम चलेगा क्या क्या है। ये वुड का है, ये हनी का है, प्लास्टर का है, मड का है, बहुत सारे हमें मिल जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर वॉल का शो करना है यहाँ पर, तो वॉल का ब्रिक वर्क प्लान कैसा शो होता है ये उसके लिए हमारा ये ANSI जो है 32 ये वाला इसको ले लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे, अभी हमें दिख नहीं रहा कितना है, तो हम इसको थोड़ा सा स्केल यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसको बता लेंगे स्केल को बने हमारा 50 करके देख लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा शुरू होने लगा दूर दूर, और हम इसको बड़ा कर लेते हैं करके। अब कैसा दिख रहा है अभी भी वो 500 कर लेते हैं इसको। अब ठीक है हमारा, तो हमारा शो हो रहा है कि बॉल कैसे ये हमारा यहाँ से रहेगा क्योंकि ये बंद था ना यहाँ से लेके हमारा ये क्लोज था, तो हमें इसमें नहीं करना है, हैच का वर्ड यूज करनी है। तो हमें पहले से सिलेक्ट है वही यह, तो हमारा आगे वॉल के लिए अगर हमें कोई सॉलिड फिल करना है या फिर जैसे वुडन का था ये जो है ड्रेसिंग टेबल आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वुड का करना है, तो इसमें मुझे वुड का टेक्सचर करना होता है वॉल के हैच करने के लिए। हैच कमांड यूज किया है यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूँगा, वुड देख लूंगा यहाँ पर वुड का टेक्सचर कौन सा है इसमें से, ये हमारा वुडन टेक्सचर है इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ से आप इसका कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं वुड का कैसे कलर है, जैसे मोस्टली हमारा वुड का कलर जो होता है वो ब्राउन कलर का होती है वुड, तो हम यहाँ से कोई ब्राउन कलर या कुछ भी आप कोई से भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कर दिया और यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से इसके स्केल को हम छोटा कर लेंगे। अब दिखने लगा आपको और छोटा कर लेंगे ताकि आप पास पास में आ गए इसके फुट के, बैन कर दिए इसको और छोटा हो गया इसको मैं कर दूंगा 35 और इतना ठीक है इसके कर दिया मैंने, तो ये हमारे वुड का वुड शो में कि वुड का है। अब मुझे इसमें कुछ सॉलिड वगैरह फिल करना है, जो मेरा स्टूल है ये सीटिंग जो भी है इसमें मुझे हैच कमांड यूज करनी है हैच ए, मुझे कुछ सॉलिड कलर इसमें फिल करना है, सॉलिड पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लूंगा मैं इसके लिए। सपोज कीजिए मुझे इसमें ग्रीन करना है ये वाला, इसमें ग्रीन कर दूंगा और एस्केप कर दूंगा ग्रीन सा हो गया। अगर आपको ये जानना है कि
किचन डिज़ाइन हम कैसे कर सकते हैं, किचन को किस तरह से डिज़ाइन करें, या आपको अटैच बाथरूम, अटैच टॉयलेट या बाथरूम देखना है कि किस तरह हम अटैच टॉयलेट या बाथरूम प्लेस कर सकते हैं, फर्नीचर उसका कैसे प्लेस कर सकते हैं, या आपको और कैट ब्लॉक्स चाहिए वीडियो के साथ साथ, तो आप उनके कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ड्राइंग को हैंड ओवर कैसे करना है, फाइनली हमें इसको प्रिंट करना है, एक फॉर्मेट बनाना होता है, तो हम उसको फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। तो एक रेक्टेंगल ले लेंगे जल्दी से, इसको पीडीएफ फॉर्म में हमें करना है ना, प्रिंट आउट करना है, इसको देना है, या तो हमने दिखा दिया बस सॉफ्ट कॉपी है हमारी, वो उसको कैसे समझाएंगे, उसको तो पर्चे पर लिख के देंगे उसको, तो हम तो उसको प्रिंट आउट देंगे ना लेबर को, ये अपने बॉस को भी दिखाना होगा। रेक्टेंगल बना लेते हैं एक, इतना ठीक है, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेंगे नीचे बस, इसको एक्सप्लोर कर लीजिए, एक्सप्लोर एक्स कमेंट करके और फिर ऑफसेट को ऑफसेट के लिए वो टाइप किया, कितना आप ऑफसेट लेंगे, हंड्रेड का ऑफसेट ले लेंगे स्क्वायर बनाने के लिए, फिर सबमिशन करने जा रहे हैं इसको। तो आप यहाँ पर टैक्स ले सकते हैं, या तो हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेंगे जल्दी से, हमने इसी टेक्स को इसको एडिट करते जाएंगे, सी ओ लिया कमेंट टाइप किया सी ओ, यहाँ पे कॉपी कर लिया, बस इस पर डबल क्लिक करना है और इसको एडिट कर देना है। तो हमारी ये कौन सी ड्राइंग, इसका नाम बताना है फर्नीचर लेआउट का ड्राइंग, फर्नीचर लेआउट, इसका साइज हम छोटा कर देते हैं, इसका साइज हम 55 यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको इस तरह से। अब इसको मूव कर दीजिए सेलेक्ट करके, फर्नीचर ले उसके बाद में हमें यहाँ पर अगर हमें कुछ नोट्स वगैरह लिखने हैं कि कोई भी नोट देना है, जैसे कि ऑल डायमेंशन आ रहे हैं एमएम वगैरह, इस तरह से ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा हम अपना नेम वगैरह दे सकते हैं, फिर मुझे नेम देना है अपना कि ये ड्राइंग किसके किसने बनाई है, सी ओ बन गया, इसको कॉपी कर लिया इसे, नेम एक प्रॉपर फॉर्मेट जैसा होता है आप वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्केल स्केल क्या होता है, किस स्केल पे आपने बनाया, यहाँ पर एनटीएस चलता है, नोट टू स्केल चलता है, नोट टू स्केल लिखते हैं हम यहाँ पर, तो इसको कॉपी कर लिया स्लिप कमांड से, सेलेक्ट किया एंटर, इसके टाइप किया इसके यहाँ पे एन टी एन टी एस, उसके बाद में हम यहाँ पर अपना क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर उसके लिए भी सी को कमांड यूज करने वाले,
आकाश थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं अपना, ठीक है। उसके बाद में डेट, डेट इम्पोर्टेंट चीज है, किस डेट में हमने इसको दिया है। डेट, डेट हम दे देते हैं यहाँ पर, जो भी डेट है आप यहाँ पर अपना यहाँ से आप लाइन वगैरह ले सकते हैं, यहाँ पर इसको एक कॉलम में करने के लिए, जिससे हम अच्छा लगे। अब हम कह रहे हैं इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट कमांड क्या है, कंट्रोल पी। कंटिन्यू टू प्लॉट शीट, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि WDG जो DWG टू PDF बन गई, हमारी ऑटोकैड की फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है DWG होता है, तो DWG टू PDF में क्लिक कर देना हमें। उसके बाद में हमारा ये नीचे पेपर साइज दे रखा है, पेपर साइज हम सेलेक्ट कर लेंगे, हमें A3 चाहिए, A4 चाहिए, तो जैसे मुझे A4 साइज चाहिए, A4 पे क्लिक कर दिया हमने। फिट टू पेपर है कि पेपर में हमारा फिट हो गया, और यहाँ पे हमें देखना है कि कहाँ से लेके कहाँ सेलेक्ट करना है, तो हमने विंडो सेलेक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से लेकर रेक्टेंगल, इस पूरे रेक्टेंगल को सेलेक्ट करना है यहाँ तक, तो हमारा यही वाला पार्ट शो होगा। हम इसको प्रीव्यू करके देख सकते हैं कैसा दिखेगा। हमारा ये दिख रहा है इस तरह से, कुछ हमें व्यू दिखेगा इसका, तो ये हमारा साइड वाला व्यू देखते हैं। इसको सीधा करने के लिए, सेंटर में लाने के लिए हमारे पास ऑप्शन है सेंटर टू सेंटर द प्लॉट, सेंटर द प्लॉट। आप प्रीव्यू करके देखें, प्रिंट निकल के आने के बाद हमारा कैसा प्रिंट निकल के आएगा, तो ये भी जिस तरह से आप देख लग रहा है, ठीक है ना। तो अब हम इसको एस्केप कर देंगे, एस्केप करने के बाद हम ओके कर लेंगे इसको, या तो आप पोर्ट्रेट में लेके जाना चाहें तो पोर्ट्रेट में ले सकते हैं, लैंडस्केप में लेना है तो लैंडस्केप में ले सकते हैं, पोर्ट्रेट पर भी हम क्लिक करके और ओके करके तो हमारी PDF बन जाएगी अब इसका। अब ये कह रहा है कि कहाँ पे सेव करें, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, हम ले रहे हैं इसका, इसके आकाश की ड्राइंग है, फर्नीचर ले ओके, आकाश लिख देते हैं, चलिए इसका नाम कुछ आकाश लिख देते हैं, आकाश सेव कर दिया डेस्कटॉप पे।
ये हमारी आकाश आ गया डेस्कटॉप पे, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी प्रिंट के लिए तैयार है, इसको हम प्रिंट करा सकते हैं कहीं से। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट करके बताइए और लाइक कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।